हूँ अपना बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए। जी आप अपना बर्थडे गिफ्ट तो ले ली, उतना कर रही है। जैसा मैंने सोचा नहीं था, उससे भी कहीं ज्यादा। मम्मी खोल करके देख रही है कि आखिर क्या है ये। तो फाइनली मैं आ गई हूँ अपना बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए और पति देव इधर दिला रहे हैं मुझे गिफ्ट, तो देखते हैं क्या दिलाते हैं। कुछ कुछ पसंद किया है हमने। ये सोच रहे इयर रिंग दिलाएंगे तो इसमें सस्ता पड़ जाएंगे, इयर रिंग में ये वाला ले ले तो रहम करना पति देव। रहम नहीं, रहम आप नहीं करते, कभी कदार लाते हैं। तो फाइनली मुझे मिल गया मेरा बर्थडे गिफ्ट और जबरदस्ती की है। क्या कहा जाए, आगे बताते हैं आप। जबरदस्ती क्या, बिना जबरदस्ती की इनसे मिलेगा भी नहीं गिफ्ट। कहते हैं जबरदस्ती का गिफ्ट लेती हो तो लड़के लेती है। Few inches later. जी आप अपना बर्थडे गिफ्ट तो ले ली, उसके बाद जो है शॉपिंग से वापस कर रही है। जैसा मैंने सोचा नहीं था, उससे भी कहीं ज्यादा बहुत बढ़िया। तो गिफ्ट जो है मेंशन करिए ये कि जबरदस्ती ही है। तो जबरदस्ती ली है, ये डिस्क्लेमर है सभी में। जो भी रहे, अपना दे तो लड़की ही है ना। बिल्कुल, तो लड़के ली है। लेकिन जब नहीं मिला था तुमको एनिवर्सरी में, लेकिन अब जब मिला है तो कैसा मिला है दिखाना। तो वो पता है मुझे बहुत अच्छा। मैं बोलती हूँ इनको कि आप नहीं देते हो नहीं देते हो, लेकिन जब देते हो तो मैं कहती हूँ ये लूंगी नहीं, बोलते वो ज्यादा अच्छा वो ले लो। तो फिलहाल जो है यहाँ पर और सब सामान लिया जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जी, सब्जी वब्जी सब तो आ गया। इसके अलावा जो है यहाँ पर लिया जा रहा है खाजा और दही। खाजा वही चीज है, सेम एक ही बात, सब एक ही बात है। और इसको हम लोग गाजा बोलते हैं। और उसको क्या कहते हैं, वो तो बालूशाही टिकरी जो भी चीज बोलो। बाकी दही भी लेने, यहाँ का दही बहुत अच्छा है। The next day. तो आज है जितिया का नहाई खाए। तो मैं सुबह उठ के खाना बना रही हूँ यहाँ पे, आलू बैगन उसके बाद परवल, बहुत सारे सब्जी बनने वाले हैं आज। तो सब्जी काट रही हूँ और माँ गई हैं अभी, थोड़ा सा बगल में ही दुकान है वहाँ पे। और कल मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट मिल गया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि दीदी क्या मिला। मैंने फेसबुक पे डाला था कि मेरा बर्थडे गिफ्ट मिल गया, तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे दीदी क्या मिला दिखाइए। तो मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। और सबसे पहले खाना फिनिश कर लेते हैं सारा जल्दी से, क्योंकि क्रियान से स्कूल भी जाएगा तो उसका भी टिफिन बनाना है। A few moments later. तो आज है जी जितिया का नहाय खाए। तो नहाय खाए के लिए आज चल रही है तैयारी। तो उधर साग सब धुल रही है, बाकी सब्जी सब आ चुका है। तो नहाय खाए के दिन जो है आज क्या क्या होगा माँ बताएगी। आज मिथिला पंचांग से जितिया का नहाय खाए है। अच्छा, बनारसी पंचांग से क्या है वो बात उतना हम नहीं बता सकते हैं, इसलिए कि हम लोग मिथिला पंचांग को मानते हैं। तो आज जितिया का नहाय खाए है, जब सप्तमी घुसेगा तब सब लोग तेल खली चढ़ाएंगे अपने पितृ को। अच्छा, पितृ को देते हैं मर्द, औरत देती है पितरैन को। अच्छा, तब उनको हम लोग सिंदूर तेल खली सब चढ़ाएंगे, उसके बाद दही चूरा खाजा का प्रसाद। और भगवान जितवाहन अपने कुल देवता इष्ट जितने हमारे पूर्वज हैं उन लोगों को प्रार्थना करेंगे कि खुशी खुशी सबका वंश अमानत रहे। सही बात है। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि संसार के सभी सज्जन स्त्री अपने बेटा और पति की और भाई भतीजा के लिए नहीं रोए। 2 hours later. तो सारा खाना पीना हमारा बन गया। आज जितिया का नहाए खाए में बहुत सारी चीजें बनती है, लेकिन फिर भी उतना कुछ तो नहीं बना पाए, लेकिन बनाए जितना हो पाए। और इसके बाद ये रहा मेरा गिफ्ट। तो माँ को भी दिखाने वाले हैं, माँ को दिखाएंगे। माँ बोली फोटो बस दिखाए थे माँ को, क्योंकि क्रियांश था ना, क्रियांश क्या कर रहा नहीं थैला में सोचता है कुछ टॉय वगैरह है, तो हमेशा खींचने की कोशिश कर रहा था। तो अभी क्रियांश गया है और समय मिला है, चलते हैं माँ को भी दिखाएंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं लेना नहीं चाह रही थी, मैं छोटा वाला ही लेना चाह रही थी, लेकिन इनको था ना कि अगर तुमको लेना है तो यही ले लो। तो हम सोचे भाई इतना अच्छा मौका कैसे गवा सकते हैं। बिल्कुल, जब पति कहे कि यही ले लो, हम सोचते थे पति का तो पैसा नहीं खर्चा करवाए। तो चलते दिखाते आप लोगों को। 12 seconds later. तो बहुरानी के लिए आया है गिफ्ट, तो माँ कहे कि हमें भी दिखा दो कि आखिर क्या गिफ्ट लाया है। तो सब लोग तो देखेंगे ही। और सासू माँ को दिखाने के साथ साथ जो है
आप लोग भी देख लेंगे कि आखिर क्या गिफ्ट मिला है। तो जन्मदिन था, जन्मदिन के अवसर पर जो है पिछले जन्मदिन में और एनिवर्सरी में किसी में गिफ्ट नहीं मिला था कुछ। सोचा कि इस बार ऐसा गिफ्ट दिया जाए कि पिछले जन्मदिन और एनिवर्सरी का जो है कमी थोड़ा पूरा हो जाए। अच्छा, सबसे पहले क्रियांश क्या है? ये उल्टा चांद बोला था पहनने के लिए, ग्रह नक्षत्र सबका बात सब है कुछ। इसको गिफ्ट नहीं कहिए, आवश्यकता थी, आवश्यकता थी। हाँ, ये देखो उल्टा चांद आ जाएगा ना आराम से। और जानती है ये था अंदर, लेकिन वहाँ जो राधेश्याम सोनी ज्वेलर्स में थे भैया वो करवा दिया यहाँ पर। तो जब भी इस तरह का कुछ भी होता है कस्टमाइज करवाना, वो कर देते हैं एकदम। दुकान भी कटिहार का अच्छा है वो। हाँ हाँ, तो बिल्कुल, मतलब हमको लगता है कटिहार में आए हुए 34 साल हमको हो गया, वो दुकान का नाम हम सब दिन सुनते हैं। बिल्कुल, रास्ता का नाम बना हुआ है। दुकान बहुत है, बड़ा बड़ा दुकान है, अभी फिर बाद में लॉन्च किया है वो भी बड़ा दुकान, हर चीज है। सबसे कस्टमर को डील कैसे किया जाएगा, बिल्कुल उन लोगों के परिवार का जितना भी दुकान है सब सब में ऐसा है ये चीज। तो जल्दी से अब जो है मम्मी खोल करके देख रही है कि आखिर क्या है ये। हमको तो खोलने भी नहीं, डब्बा भी बड़ा अच्छा है, पैकेजिंग भी बड़ा अच्छा मिलता है यहाँ पे। डब्बा का जो हुआ है ना, इसमें समझ कंफ्यूज कर रहे हैं। देखो आप, देखो ये कैसा लग रहा है डब्बा, उसी पहले दिखाते हैं। पढ़ाई में इसका कोई कोर्स नहीं था। बिल्कुल, ये देखो। तो ये है, इसमें गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड के साथ साथ प्लेटिनम भी है। हाँ, इसीलिए लाइट दे रहा है। लाइट दे रहा है, बहुत खुशी होती है बाल बच्चा अगर अपने से खरीदता है, राइज करता है, तो माँ बाप के लिए अपार हर्ष की बात होती है। और तुमको देखते हैं तो भगवान को कहते हैं कि अब आपसे हमारा कोई डिमांड नहीं है, आप ज्योति है, प्रभु इसको बरकरार रखिए। और एक बेटा के लिए अब आपको पुनर्विचार करना होगा। बिल्कुल, सभी लोग करते हैं तो पता नहीं हमसे कहाँ भूल है या कहाँ चूक है, कितनों पापी है हम या अपराधी है, तो अब क्षमा कर दीजिए। नहीं करेंगे, ये थोड़ा समय लगता है, जब समय लगता है तो बहुत अच्छा। बिल्कुल, कहा जाता है कि सब्र का फल जो है मीठा होता है। आपके दरबार में तो सबका कल्याण होता है। आप प्रभु, हमको लगता है कि हम उतना अपराधी नहीं है जो कि हम पर आप क्षमा नहीं कर सकते। जितिया है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जितिया के अवसर पर सबका बेटा बहू आगे रहे, संसार का हर माँ बाप अपने बेटा बहू को इसी तरह समृद्धि में देखे और खुश रहे। सही बात है जी। और जानता हूँ कि जैसे ही यहाँ वीडियो आएगा कुछ ना कुछ कमेंट जरूर आएगा कि सासू माँ को क्या गिफ्ट दिया। तो सासू माँ का भी जन्मदिन, सासू माँ का जन्मदिन आने दीजिए तब दिखाते हैं। नहीं है, कुछ भी कहना नहीं है, मेरा बेटा हमसे कुछ नहीं मांगता है और अपना कमा के सब कुछ ले रहा है, तो यही गिफ्ट है। हाँ, तो माँ को जो है ये गिफ्ट दिया भी गया था जन्मदिन में, जिसको अभी तक यह यूज नहीं की है, तो आप सोच रहे हैं कि अब क्या कुछ उपाय किया जाए। हाँ, ये शिकायत है कि इतना प्यार से दिए फिर भी नहीं पहनी है, बात किए है ना कि वो माँ को थोड़ा कान में, और वो भी माँ से खुद से पसंद करवाया गया था कि क्या लेना है बता दो। इसमें आप लोग शुभकामना कीजिए कि किसी का माँ बाप अपना बेटा से नहीं मांगे और बेटा जो है अपना माँ बाप से नहीं मांगे, सब लोग अपने में खुशी रहे, अपना कमाए खाए, बेटा को आँख से देखे कि मेरा बेटा कमा खा रहा है। माँ बाप के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट यही है, इससे बड़ा गिफ्ट इस धरती पर होना। बहुत बढ़िया, तो अच्छा है हमारे गिफ्ट का पैसा बच जाएगा। तो यह था जी जिया का बर्थडे गिफ्ट। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जिया का जो है शिकायत था कि हमको कोई भी जन्मदिन होता है कोई गिफ्ट नहीं मिलता है, एनिवर्सरी होता है कोई गिफ्ट नहीं मिलता, तो सोचा कि इस बार जो है बाकी सारा जन्मदिन एनिवर्सरी का जो है कमी को हम पूरा कर देते। आप लोग भी कमेंट करके खर्चा करवाई खुद ही की। तो हम सोचे कि जी जब गए ही हैं वहां पर तो कुछ अच्छा सा लिया जाए, ताकि एक ही बार आए हैं तो याद रहे कि हाँ कुछ दिए हैं पतिदेव, जिंदगी भर याद रखेगी। और तो पैसा आने का सीमा है, खर्च का सीमा है। और ये गिफ्ट इसको क्या कहेगा, सौभाग्य समझिए, बस यादगार चीज है अपना, यादगार चीज है। और इसी बहाने लोग दो पैसा कभी रख लेता है किसी न किसी रूप में, तो वही संपत्ति का श्रृंगार ही पति का आहार यही कहा जाता है ज्वेलरी को। तो अब ऐसा करते हैं, जिस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर दीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारा कोई वीडियो आए सबसे पहले आपको। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।